नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल JTA स्टडी पर। साथियों, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के पूछे गए मैथ्स के 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनमें चार ऑप्शन दिया गया है। आप लोग अपने आप को इस क्वेश्चंस के थ्रू चेक कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर लास्ट में बताया जाएगा। चलिए, तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम लोगों का पहला प्रश्न है, 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते हैं, उसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। आपका पहला ऑप्शन ए है 12 दिन, बी 16, सी 13 या फिर डी 15। चलिए दूसरे प्रश्न को और आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये प्राप्त होता है। ए 120, बी 180, सी 200 या फिर डी 210। हम लोगों का तीसरा प्रश्न है, 7 का घात 21 धन 7 का घात 22 धन 7 का घात 23 धन 7 का घात 24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। क्या बचेगा? ऑप्शन ए 17, बी 5, सी 7 या फिर डी 0। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है। अंजी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएंगे? कितना दिन लगाएगा? ए 10 दिन, बी 9 दिन, सी 15 दिन या फिर डी 11 दिन। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक क्रमशः 4284 और 32 है। यदि एक संख्या 672 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। ए 92, बी 102, सी 64 या फिर डी 204। छठवां प्रश्न है, दो सह अभाज्य संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक है, जिसमें ए बी से बड़ा है। ए ए बी, बी बी, सी ए या फिर डी ए प्लस बी। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? 24/30, बी 24/7, सी 24/90 या फिर डी 24/120। आठवां प्रश्न है, यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 19% का लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं इसे 475 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 10% हानि, ऑप्शन बी 5% हानि, ऑप्शन सी 10% लाभ या फिर ऑप्शन डी 5% लाभ। नौवां प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और उसका लघुत्तम समापवर्तक 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 55 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ए 66, बी 77, सी 33 या फिर डी 44। दसवां प्रश्न है, पानी के एक टैंक को 3 पाइपों एक्स वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है। पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज है और पाइप वाई पाइप एक्स से 2 गुना तेज है। पानी के टैंक को पाइप एक्स अकेले भरने में कितना समय लेगा? आपका ऑप्शन ए है 60 घंटे, ऑप्शन बी 35 घंटे, सी 40 घंटे या फिर डी 45 घंटे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है, 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, यदि माध्यिका 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, यदि माध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का मान बढ़ जाता है, प्रेक्षणों का माध्य होगा। ए 50, बी 50.5, सी 30 या फिर डी 45। बारहवां प्रश्न है, बडवांस फॉर्मूला से ये सॉल्व होगा, ठीक है। 5/11 धन 18-6 गुना 9, 18-6 जो है ब्रैकेट में है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। इनमें ऑप्शन दिया है ए 113, बी 110, सी 115 या फिर डी 100। 14, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? 4 से पूर्णतः
चार से पूर्णतः विभाजित का नियम आप लोगों को पता ही होगा, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चार ऑप्शन में से एक को टिक लगा दीजिए और चेक कीजिए सही है कि नहीं। तेरह नंबर का क्वेश्चन है 0.02 तथा 0.002 के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 0.018 या फिर बी 0.0018, सी 1.8, डी 0.18। 16 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, यह भी बर्नौस फार्मूला से सॉल्व होगा, सॉल्व कर लीजिए कौन सा आंसर सही है, ठीक है। 17 किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या बताइए। ए 245, बी 266, सी 260 या फिर डी 252। 18 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ए 5/4, बी 3/2, सी 7/4 या फिर डी 2। 19 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 36 और 144 के महत्तम समापवर्तक के आधे मान क्या होगा। ए 144, बी 18, सी 36 या फिर डी 72। 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 रुपये था, यदि वस्तु को 442 रुपये में बेच दिया जाए तो हानि परसेंट क्या होगा। ए 14, बी 12, सी 16 या फिर डी 18। चलिए अंत में आंसर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अपना अपना आंसर चेक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 20 में कितना सही हुआ है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।